तो चलो भाई, आज अनूप की टिकट हो चुकी है मुंबई जाने की, तो अनूप जा रहे हैं मुंबई। लेकिन उससे पहले केक काटना तो बनता है ना। राहुल भाई ने एनिवर्सरी में भेजा था, हमारी एनिवर्सरी कब की चली गई, लेकिन ब्लॉग अभी तक आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, बहुत लेट चल रहे हैं ब्लॉग्स, बट मैंने आप लोग के लिए भर भर के शूट किया है। चलो पहले अनूप को केक खिला देते हैं, भेज देते हैं, फिर बैठेंगे बहनों के साथ साथ। राधे 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 राधे। शाम मिला दो, बोलो। शाम ने तो मिला दिया उसका। सही है। और पूछ क्या क्या गया, क्या क्या गया। मेरे दोनों बच्चों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड और पैसे। जोड़ो ना, बोलो। और पर कोई किसी के दिमाग में यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो 3500 रुपए चोरी हो गए उसके। है मत बोलो, झूठ मत। और सब मजे की बात देख, उस पर्स के ऊपर पार्थ की कमीज, अनूप की टोपी, सब कुछ था। और मजे की बात है, रात कहाँ पे चोरी हुई तेरे को पता है? जब निधि वन में चैन नहीं भुला था। मैंने वही बोला था इसको, मैंने भी कहा था निधि वन में। और चोर भी दिख रहा है यहाँ पे, मजे की बात देखा, दिख रहा है। चोर कैसा होगा, नॉर्मल कैसे, नॉर्मली कैसे चलते हैं लोग। पूरा दबोच के उसमें दिखा था। दिख रहा। फिर पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया। देखो शीलू मम्मी भी आ गई, शाम हो गई है। दोबारा आई ना, तो पहले आई थी तब किया था ना। बन गया सूट, वही कपड़ा है क्या? पार्थ मत करना, ठीक करो। 8 8 वाला 8 3 से सही करो। जाओ कॉपी करके मत लिखो बेटा, लर्न करके लिखो। अरे भैया मम्मी क्या लाई। तो यहाँ मम्मी ने कुछ कुर्ते सिलने के लिए दिए थे कपड़ों के, तो वही दिखा रही हैं कि देख मैं यहाँ से लेके आई हूँ टेलर के पास से। और शाम को बस ये देखो, मैं सुबह ही नहा गई थी जब अनूप जा रहे थे, तो ये मत सोचना मैं नहाई नहीं हूँ। सुबह ही नहा धो के अनूप को भेजा था। और ये देखो मौसी को ना ये सुना रही टन। आपको पता है वृंदावन में मैंने ये खरीदा था, और पूरे रास्ते जब हम परिक्रमा कर रहे थे ना, ये बजाते हुए हम राधे राधे करते हुए गए थे, बट हमने शूट नहीं किया। बहुत सारे मंदिर और भी गए थे लेकिन शूट नहीं किया, क्योंकि अलाउड नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि फ़ोन निकालना ही मतलब ऐसा हो रहा था, क्योंकि बंदर आके खींच के ले जाते हैं फ़ोन, चश्मा, टोपी, इसलिए भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। यहाँ मौसी और मैं मजे से कीर्तन कर रहे हैं, ये देखो। फिर बाद गाना भी गाना होता है, इसको बजाना नहीं होता है। गाना भी गाना होता है शीला देवी। ओजी फूफू ब्लॉग देखती है, गाना गाओ। ओजी फूफू मुझे पता है, ये वाला देख देना, ये चैनल ही नहीं पता होगा उनको। ये वाला देख गाना तो गाओ कोई। राधे 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 राधे, जस्सू को पैसा चोरी बाय। आधे आधे तो मैंने आधे आधे हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? तो आज भाई बहुत दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और वो भी शाम के टाइम पे। हाँ क्या बोल रही है, देख रहे हो? इधर दिखा, आज आप कहीं भूलो ना गाइस, ये भारती है। इतना सजा धजा आपने देखा नहीं होगा इस लड़की को। भारती दिखाओ ना प्लीज। तो थैंक यू सो मच गाइज, हम सब आपके कमेंट पढ़ रहे थे भारती। अच्छा कोई पूछा था भारती कौन है, जस्सू कौन है? देखो जस्सू ही भारती है, भारती ही जस्सू है। और आई थिंक कोई नया है बार बार, इसलिए बार बार पूछ रहा है। तो भाई जस्सू एंड भारती और मोनू जो भी आप जानते हो, वो सब शीलू मौसी के बच्चे हैं। तो शीलू मौसी की बेटियां, मेरी सगी मौसी की बेटियां हैं, मेरी कजन है। और कजन वजन कुछ नहीं होता, सिस्टर सिस्टर्स होती हैं। तो जैसे पारुल दीदी हैं वैसे ही भारती भी है। तो मैं और भारती है ना जा रहे हैं अभी मार्केट। ये देखो ये मुझे वहां से मिला था ना विराज के घर से, तो ये अभी तक मैंने सिलवाया नहीं था, तो मैं सोचती इसको सिलवा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ भारती के संग, इसके लिए एक लेस लेने के लिए कॉर्सेट टाइप सिलवाऊंगी इसको, मैंने सोचा है। और बस मार्केट जा रही हूँ, तो सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ आज शाम से ही। समझ रहा ना, ये देखो क्या कर रहा है ये, फोन मांग रहा हूँ, फोन चार्ज, फोन छुपाई दियो। फोन तो मैंने चार्ज पे लगाया था आपका। पार्थू वेरी बैड, देखो मम्मी कहाँ फोन छुपा रखा इसने। और कन्नो हाय कर दो। तो भाई कन्नो यहाँ पे ना वो बना रही, कन्नो क्या बना रही है? बोर्ड बना रही है जो कि आपके किस में लगते हैं, चार्जर में। दिन से आज ये लड़की यही बना रही है। मैं पार्थू और भारती अब चले घर के लिए। और भारती शर्माओ मत यार, आप क्यों शर्मा रही हो, आपकी तो इतनी तारीफ हो रही है।
आपकी कितनी तारीफ हो रही है। मोमोस खाने जा रहे हो? नहीं नहीं मोमोस तुझे नहीं खिलाऊंगी, ऐसा हो सकता है? मम बार बार एक कमेंट आ रहा है, दीदी मम्मी के घर की व्हाइट वॉश करो, मेकओवर करो। बेटा व्हाइट वॉश सोचा था तेरे आने से पहले करने के लिए, शालू ने बोला भी था कि मम्मी, मुझे भी लगा था कि करना चाहिए व्हाइट वॉश करके, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया, भाग दौड़ और अभी कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बड़ी मम्मी तो गई, मम्मी के जाने के अभी 15 दिन के बाद एक हमारे बिल्कुल मेरी बड़ी सिस्टर की लड़की भी, बिल्कुल हमारी कजन सिस्टर, एक और सिस्टर पूरी खत्म हो गया। बार बार क्या बोले आप लोगों को, क्या समझाएं आप लोगों को, 3 डेथ हो चुकी है गाइस, 3-4 डेथ हो चुके, 4 हो चुके हैं फरवरी से लेकर, क्या बताएं आप लोगों को। हमें पता, हमें भी पता है करना है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी भाग दौड़ हो रहा हम लोगों का अभी। तो मैं जब से आई हूँ ना, मैं तब से पढ़ रही हूँ मम्मी के घर का मेकओवर करो, व्हाइट वॉश करो। गाइस ऐसा आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि हमारा मन नहीं करता होगा ये सब करने का, बट आज भारती मुझसे कह रही थी कि दीदी एक बार ना वीडियो में ही बोल दो कि ताकि सब लोग एक बार चुप हो जाएं। देखो बार बार सेम चीज़ रिपीट मत करो आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपना घर तो इतना सजा धजा के रखती है और मम्मी के घर में आके कुछ भी नहीं करी, जो जैसा पड़ा है वैसे। तो गाइस बहुत चीज़ें लगती है, अगर मैं छोटे से छोटा मेकओवर भी करूँगी ना, वाइट वॉश कराने के ही 8-10 हज़ार रुपये लगेंगे। हाँ मम्मी भी तैयार नहीं हो देखो, और दूसरी बात सामान लाऊंगी कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है अगर मैं एक मेकओवर करती हूँ। मुझे पता है मैं मेकओवर इतने कर चुकी हूँ कितने खर्चे होते हैं, इसीलिए बार बार प्लीज एक चीज रिपीट मत करो, जब जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं मार्केट। ऐसे में ज्यादा गोटे पत्ते वाली ना हो, मतलब नॉर्मल इस कट में मिले, या तो इस कलर में हो या इस कलर में। तो भाई हमने शॉपिंग कर ली है अपना, बाबू एक एटीएम भी देखना है, मम्मी ने बोला है ना। तो बस मार्केट का काम हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो बस गाइज इसके बाद है ना, मैं और जस्सू और पार्थू घर आए, खाना खाया, और फिर रात को कन्नू ने रोज़ इसकी मालिश करती थी। देखो तेल गरम करके लहसुन मेथी ये सब पका के छान के कन्नू ने ना इसकी 4-5 दिन लगातार मसाज करी, इसके पैर भी सूज गए थे, नीचे फुटबॉल खेल रहा था। और ना डॉक्टर ने कहा था कि जो मालिश जानता उससे इसकी मालिश करवाना, तो कन्नू बहुत ही अच्छी मालिश करती है। जिस दिन हम गए थे ना मुंबई से, उस दिन पहले दिन ही बेचारी शाम को ही सारा ऑयल वॉयल लेके इसकी मालिश करी थी इसने, तो कन्नू है ना बहुत हैवी हाथ से मालिश करती है, हम नहीं कर पाते इतनी। तो कभी कभी पार्थू रोने भी लग जाता था कि मेरे को ऐसे दर्द हो रही है करके, लेकिन उसको बहुत आराम भी मिलता था, फिर कहता था मम्मी बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो थैंक यू कन्नो, ये देखो जैसे बचपन में नहीं करते थे बच्चों की मालिश, उसी तरह से कर रही है। और एक्चुअली डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट ने भी ऐसे ही करने को कहा था। तो ये गाइस कल मार्केट से आने के बाद आज शाम को हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि भारती और मैं बना रहे हैं गोल गप्पे। पारुल दीदी आई हैं, पारुल दीदी को गोल गप्पे खिला रहे हैं। दीदी अंदर बैठी है, अभी ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिखा दूंगी कि दीदी आई है। तो गाइज यहाँ पे दीदी तो सुबह ही आ गई थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया दीदी के संग, क्योंकि अभी आप सब समझ सकते हो दीदी कोई डांस करके गा के आप सबको नहीं एंटरटेन कर सकती है ना। तो बस दीदी को थोड़ा हमने सोचा खुश करते हैं और दीदी को गोल गप्पे बना के खिलाते हैं, तो दीदी को बहुत पसंद आए। और हाँ मैं दीदी के लिए भी एक पैकेट लाई थी, तो दीदी को भी दिए। एंड यहाँ पे उसके बाद फिर सब ने बैठ के एक साथ गोल गप्पे भी खाए। एंड शाम को जब दीदी चली गई तो मैं और पार्थू गए शीलू मौसी के यहाँ। तो शीलू मम्मी के यहाँ ना जो छत बहुत अच्छी है, तो यहाँ देखो छुन्नू के संग पार्थू थोड़ा सा फुटबॉल खेलने लगा, और बोर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके साथ का कोई बच्चा नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ पे टेडी बियर इतना बड़ा मोनू का है आई थिंक, उसके संग खेल रहा है और उसको कंधे पे उठा के इधर से उधर टाइम पास कर रहा था। बस इसी तरह से गाइस कुछ दिन मैंने शूट किए और बीच में कुछ दिन मैंने शूट नहीं किए। तो चलो अब चलते हैं आज शालू के घर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। तो भाई अब कल शाम जब पारुल दीदी आई थी उसके बाद अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास इतने व्लॉग पड़े हुए ना, अभी वृंदावन व्लॉग ऐड करके डालना है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम सीपी गए थे वो वाला, जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक मैं पोस्ट कर चुकी होंगी। एक्चुअली अब मेरे मोबाइल में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है गाइज, इसलिए मैं बस छोटी छोटी व्लॉग एडिट कर रही हूँ और कुछ कुछ दिन के गैप में। तो आज मैं जा रही हूँ शालू के यहाँ, और ये देखो ये वाली कुर्ती है ना मैं सरोजनी नगर से जो लाई थी एक्सेल साइज की, देखो, और मैंने इसको गोल कटिंग करवा के अपनी फिटिंग करवा ली है। तो बस मैं जा रही हूँ घर शालू के, शालू वहाँ वेट करिए, और पार्थू भी रेडी हो चुका है, बाल देखो कैसे हो रहे। हाँ प्रणाम कर लो गाइज, इतना शरीफ नहीं है, अभी डांट खाया है इसने, इतना शैतान हो रखा है ना मैं आपको क्या बताऊं। तो बस हम जा रहे हैं, और प्रमोद के लिए मैं एक खास चीज़ ले जा रही हूँ यहाँ से। हाँ मोनू और जस्सू को भी मैं लेके जा रही हूँ कि चलो, इतनी गर्मी है ना यार वहाँ पे मौसी के घर में, अगर मैं जा रही हूँ
फिर वो लोग यहाँ पीछे से आते नहीं, तो मैंने कहा चलो तुम दोनों भी चलो, दो दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे और मेरा साथ भी हो जाएगा। एक्चुअली मैं अकेली हो रही हूँ वहाँ तक जाने के लिए और साथ भी आएगा, तो चलो। गाइस इतना अच्छा मौसम हो रखा है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, क्या बताऊँ, है ना, बारिश बारिश जसू कह रही है, ऐसा लग रहा है मुँह में थप्पड़ पड़ रहा है गर्मी के थप्पड़ पड़ रहे हैं। हे गाइस तो हम आ चुके हैं शालू के घर और जस्ट अभी आए, नहीं अभी तो नहीं आए, मतलब 15-20 मिनट हो गए। मैं भारती को वही कह रही थी फ्लो में मैं वीडियो शूट करने ही भूल जाती हूँ। तो ये देखो पार्थू और याशी यहाँ पे हैं, बोले दोनों, और अब हम भी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। क्या अच्छा ये मैं प्रमोद के लिए लाई हूँ गिफ्ट, ले मोमो का ऑर्डर हो गई मैंने बोला आज भारती भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ और मोमो उसके फेवरेट है। मैंने मम्मी बर्तन निकाल के देना जरा मोमो के बर्तन वो, और मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा प्रमोद मैं सामान उबाल कर तुम कर दे तू पाव भाजी बनाओगे आने के बाद में, तो कह रहा है देखता हूँ मैं आता हूँ ना कितने बजे आता है आप फिर बताऊँगा, जैसे भी रहेगा फोन कर दूँगा। तो मैं मोमो के बर्तन लेके आई, मैंने कहा चलो जाने से पहले एक बार उसको मोमो खिला देंगे। तो ये जरूरत मैंने इसलिए की है क्योंकि भारती यहाँ पे, इसीलिए मैं सच कह रही हूँ, अगर ये नहीं आती तो मोमो का बर्तन भी मैं नहीं लेके आती, क्योंकि ज्यादा जने हो जाते हैं ना तो मिलके बना लेते हैं। क्या सच्चाई सामने आ रही है, पता चला मुझे हाँ, मैं आती नहीं है, पेट दर्द हो जाता मेरा, मैंने बहुत ही सोच ली क्या इसमें पहनूं क्या, अरे आपको पता नहीं मोमो इसको लगा कि इसमें खड़खड़ क्यों बज रहा है, खड़खड़ मैंने मोमो के बर्तन है बेचारी भूखे में आ गई रे। चलो फिर जल्दी जल्दी खाना खा लो फिर आराम करो, थोड़ा सा फिर आटा भी काटने है। देखो गाइस ये पेंटिंग इधर से अच्छी तो लग रही है, इसमें शीशा नहीं है बस, नहीं बिना शीशे के, ये एक्चुअली प्रिंट आउट ही तो होता है हाँ, ये इसने मिंत्रा से मंगाई है, काफी अच्छी लग रही है गाइस, बहुत अच्छी है। चलो बेटा आ जाओ खाना खाने आ जाओ, क्या बना लियो कलरिंग कर रहे हो, अच्छा चलो पहले खाना खा लो हाथ धो के उसके बाद। ओके एक ही खाना खाने वाले हैं, हैं जल्दी आइए, इतने बर्तन क्या करने वाले, क्या क्यों सबने एक ही खाना खाने आए थे, अच्छे लग रहे मुझे ये दाल के भिगा के रखी है वड़े बनाने के लिए हाँ, दही वाले बस सब आज ही बनी जाला, नहीं तो कल भी तो खाएंगे, प्रमोद तो जा रहा है तो जाने तो करो आप होटल का खाएगा, आओ बेटी तो प्रमोद जा रहा है तो हमारा मुंह क्या है सर डर जाएगा, अरे भाई अच्छा पार्ट वन गहरा से तो क्या भाई को पार्ट टू तो ये पार्ट टू तो यही है, नहीं, है। नहीं, नहीं जरूरत नहीं है नहीं पढ़ देना यहाँ था नहीं लाइट, ये देखो बिल्कुल लाइट आंसर। तो गाइस अब हम लोग खा लेते हैं खाना, खाने में सिंपल खाना है दाल चावल रायता, सिंक की बात नहीं है बाबू, और चटनी तेरे को क्या लग रहा है छामा हर बार आएगा सिंह की भात खिलाएगी, इसमें कौन खाता है, भिंडी और ये है भंडारे वाली प्लेट। तो ये गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और काफ़ी देर हो गई है ब्रेस्ट कर, और यहाँ ऐसा लग रहा है दोनों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी हुई है गाइस, तो मैं इसको ऐसे कह रही हूँ आज मोमो भी बनाने हैं, मोमो सिस्टर्स आई हुई हैं ऐसा लग रहा है, और आज हम मोमो बनाएंगे। तो बस अभी रेस्ट करें और मैं रेस्ट नहीं करूँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आज ब्लॉग डालने की, पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी यहाँ पे, तो चलो बनाते हैं जो भी बनेगा। कौन जाएगा मेरे से सामान लेने स्कूटी में पीछे बैठ के आए, मैंने तो बहुत बार राइड की है इसको ले जाना, ये मौका जिसको भी दे सर दर्द हो रहा है, और बिना हेलमेट के जाएगी ना तो और मजा आएगा तुझे, नहीं तो अंदर हेलमेट की जरूरत थोड़ी होती है, अंदर हेलमेट की जरूरत नहीं होती, सामान कौन पकड़ेगा पीछे, तू नहीं जा रही, सुन ना तू नहीं जा रही ना, आटा गूंथ के सब्जी बना के मेहमानी सब्जी लेके आते हैं, ना ना मोमो की सब्जी नहीं काटेगी, नहीं रोटी से आएगी नहीं एक मिनट, ये दाल तो है ही, अगर रोटी खाने के लिए कोई बोलेगा आटा गूंथ और रोटी खा देंगे उसको लगेगा बाद में खाना, दिख रहे हो ना व्लॉग में तुम लोग पूरा आ रहा है, चलो जल्दी आज जस्ट सुगले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, चलो सामान दिला के आते हो आप, सामान तो कितना क्या लेते हैं आपको पता होगा ना, पहले देखते हो क्या क्या लाना है, दीदी ने जो बोला ना चिंक्स के वही बनाना, अभी जो ऑर्डर आया था दीदी के स्पाइसी क्या बोल रही थी, वो चिंक्स मत बनाना, अरे वो चैनो वाला न्यूट्रेला उन ना चंक्स बनला भंचे वाला सोया चंक्स
चंक्स तो बोलना नहीं आ रहा, चिंक्स के बनाते के रे। मैंने इसको बोला चल मोमो बनाते हैं, मोमो के बर्तन भी जैसे लेके आए। तो शालू ने चेतना को यानी अपनी देवरानी को भी कॉल करके बोला कि तू भी आ जा। तो वो मुझसे पूछ रही दीदी कौन से बना रहे हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? मैंने वेजिटेरियन हुए तो कह रही वो बनाना चिंक्स के। चिंक्स के क्या? तो वो सोया चंक्स के बनाने के लिए कह रही है, तो आज वही बनाते हैं। हाँ अरे बहुत है, बहुत है इसमें सब्जियाँ भी तो मिलती हैं, भिगा दे इसको। प्याज वो सब हो जाएगा जस्सू, प्याज वो उसको मिक्सी में करना पड़ेगा ना सोयाबीन को बाद में, भिगाने से पहले करें भिगाने के बाद ना? अरे तो उसको भीग जाएगा जब करते हैं। नहीं फिर भी भिगा लेते हैं, थोड़ा अच्छे से भीग जाएगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा। भीगने दे, कई बाद में पता चले सब्जी काट ली बाद में बोले ला सोयाबीन भिगाना तो भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्याज तो बहुत है, प्याज तो है। लहसुन डालते तो नहीं है, अदरक डालते हैं, लहसुन लहसुन डालता है चटनी में। तो गाइस ले लो अब एक सेकंड। तो गाइस आपने हमारे वाले मोमोज तो बहुत खाए, आज हम जस्सू की हेल्प करेंगे, जस्सू माने भारती, लेकिन रेसिपी जो ये बोली है हम फॉलो करेंगे। ये साजिश थी जस्सू दीदी को यहाँ पे बुलाने के और लाने की। अन्ने की नहीं बताया बिचारी को, ये पता ही नहीं है कि अपना शिकार खुद से शिकार अपना हथियार खुद लेके आ रहा था। एक तो बोल रहे थे दूसरी को मैसेज आ रहा था, आ जाओ ना मजे करेंगे। मैंने दूसरी को मैसेज किया आ जाओ ना मजे करेंगे। सुनो सुनो अब हो गया, तू पीछे जा हम ले दो जैसे तू ऐसे तुमने ऐसे और वीडियो सभी किया था तूने मजे करेंगे। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, बना दे तू भी नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं देखो ना ऐसे सिवन ऐसे मजे करेंगे मजे करेंगे नहीं करना। गाइस हमारा थंबनेल हो गया, आजकल आप देख रहे हो कि मैं थंबनेल जब बनाती हूँ तो यही आप सबके सामने शेयर भी करती हूँ। थंबनेल कहीं खेले, थंबनेल अच्छा होगा पैकेट अच्छा होगा तो माल बिकेगा, पैकेट अच्छा होगा तो माल कैसे बिकेगा? पापा को आए, पापा का निशानी लास्ट निशानी देहरादून से लेके आई थी मैं। गाइस आपको पता है मेरे पापा ना ऐसे बना के बच्चों को फ्री में खिलाया करते थे, ये तब का है ना सच में। तुझे ये बता रही मैं बता रही, पापा इसमें मोमो बनाते थे और बच्चे जो होते थे ना घर के आसपास के उन सबको बुला बुला के जबरदस्ती मोमो खिलाते थे। तो मेरे पापा को खिलाने का पिलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, वही शौक मेरे अंदर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बना के खिलाना। तो ये देहरादून से जब पापा एक्सपायर हो गए थे तो मैं लेके आई थी, शायद मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रही हूँ क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए। बस ये दोनों जाएंगे आई थिंक सब्जी लेने और मैं यहाँ पे प्याज वगैरह फटाफट से छील के रख देती हूँ। ये वाली बन के जाएगी, अरे ये बहुत चुपती है। चलो ए, मेरे को मुंबई वाले घर की इतनी दहशत है, जब भी मैं निकलती हूँ दरवाजा खोल खोल के निकलती हूँ क्योंकि वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है ना। हाँ, ऐसे अगर निकलो तो फोन आ रहा है तेरा तो नहीं आ रहा जा। हेलो पहुँच गए कहीं मुंह देख में एक बार तेरा गाड़ी पता नहीं जस्सू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों जब तक ये दोनों सब्जी लेके आते हैं तब तक मैं ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। कल जल्दी से आ जाना, मोमोज बनाएंगे साथ में मिलके और खाएंगे भी। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो जरूर करना। लवो। I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues.